conjunctions. There are certain conjunctions that we need to learn. For example, no sooner, a conjunction hai, no sooner did I go out. No sooner के साथ बात या तो did लगता है या had लगता है. Did लगा है तो यहाँ पे go लगेगा. Then it started raining. ये couples हैं, no sooner के साथ हमेशा than ही लगेगा. No sooner did I go out than it started raining. मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, no sooner had I gone out. Had है तो यहाँ पे लग जाएगा gone out. Than it started raining. तो no sooner का partner क्या है? Than है. तो अगर मैं तुम्हें कभी कोई sentence मिले तो मैं जिसमें डालना हो dash did I learn French dash I got a job. तो ये did जब आएगा यहाँ पर तो ये क्या लगेगा? No sooner did I, और did I के साथ learnt नहीं होगा, learn ही होगा, than I got a job. या no sooner had I learnt French than I got a job. Next, एक ऐसा ही word होता है hardly. Hardly had I gone out, hardly भी हो सकता है. Scarcely, scarcely, scarcely हो सकता है, barely. Hardly had I gone out when it started raining. When it started raining. Scarcely had I gone out when it started raining. Barely had I opened the door when the monkey leaped over. तो no sooner के साथ क्या लगता है? No sooner का structure कैसा बनता है? No sooner did I go out than. Hardly, scarcely, barely के साथ क्या लगता है? When. क्या लग जाता है? When. अब मैं तुमसे यही बोलूं, he is dash a good dancer dash a good singer. तुम लोग घिसा पिटा लगा देते हो neither nor या either or. हम बोलना चाहते हैं he is not only a good dancer but also a good singer. ना तो वो एक अच्छा डांसर है पर वो अच्छा सिंगर भी है. He is not only a good dancer but also a good singer. बट अगर मैं ऐसे स्टार्ट करूं, नॉट ओनली ही इज अ गुड डांसर, बट ऑल्सो अ गुड सिंगर, तो गलत हो जाएगा. नॉट ओनली कंजंक्शन के बाद जितना सेंटेंस है उतना बट ऑल्सो के बाद भी होना चाहिए. बट ऑल्सो ही इज अ गुड सिंगर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट ओनली इज अ गुड डांसर बट ऑल्सो सिंगर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. नॉट बैलेंस होनी चाहिए हमेशा, जैसे इक्वेशंस बैलेंस करते हैं हम केमिस्ट्री में. नॉट ओनली ही इज अ गुड डांसर बट ऑल्सो ही इज अ गुड सिंगर. दिस इज इंपॉर्टेंट. ही इज डैश स्वीट डैश इंटेलिजेंट. वो स्वीट भी है इंटेलिजेंट भी है. वैसे तो तुम लोग चाहते हो ही इज स्वीट एंड इंटेलिजेंट यूज करते हो, बट अगर दो ब्लैंक्स दिए हैं तो ही इज बोथ स्वीट and intelligent. Yeah, he is not only sweet but also intelligent. Ab not only kyunki beech mein lag raha hai to koi dikkat nahi hai, but agar not only starting mein lagega to not only he is sweet but also he is intelligent. But also ke baad bhi he is aana chahiye. He is both sweet and intelligent. Iske alawa dash he is unwell dash he came. वो बीमार है तब भी वो आया. Although he is unwell, yet he came. Yet, although yet, yet अकेले भी यूज हो सकता है. She is poor dash kind. वो poor है. हाँ, so I was discussing she is poor dash kind. She is poor
येट काइंड, पुअर है वो तब भी काइंड तो है, येट काइंड. इसके अलावा सेंटेंसेस ऐसे हो सकते हैं, इट इज डैश हॉट, डैश गो आउट, इट इज टू हॉट टू गो आउट, बहुत गर्मी है टू गो आउट, या इट इज डैश हॉट डैश आई कैनॉट गो आउट या आई कांट गो आउट, इट इज सो हॉट दैट आई कांट गो आउट. सो दैट अगर लगा है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, बट अगर टी डबल ओ टू और टू लगा है तो नेगेटिव नहीं आता नेक्स्ट सेंटेंस में. इट इज सो हॉट दैट आई कांट गो आउट. जैसे द टी इज डैश हॉट डैश ड्रिंक, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, राइट. द टी इज डैश हॉट डैश आई कांट ड्रिंक, मैं नहीं पी सकती, एक्चुअली मैं नहीं पी पाती हूँ. द टी इज सो हॉट दैट आई कांट ड्रिंक, वैसे मैं टी पीती नहीं हूँ, मैं कॉफी पर्सन. सो इट द टी इज सो हॉट दैट आई कांट ड्रिंक. ओके नेक्स्ट, इट इज डैश अ बिग हाउस, डैश 100 पीपल कैन लिव हियर, ओ गॉड. इट इज सच अ बिग हाउस दैट 100 पीपल कैन लिव हियर, इतना बड़ा घर है कि 100 लोग रह सकते हैं. नेक्स्ट, इट इज सच अ बिग पैलेस दैट द होल विलेज कैन लिव देयर, है ना. नेक्स्ट, ही बिहेव्ड डैश ही वर द किंग, ही बिहेव्ड ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे राजा हो, ऐसे तो बोलते हम लोग, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही बिहेव्ड एज इफ, और एज इफ लगेगा तो ही वर अ किंग ही होगा. ही बिहेव्ड एज इफ ही वर द किंग, ऐसे बिहेव करता जैसे राजा हो. डैश आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड गिव थर्टी डेज ऑफ विंटर वेकेशन, या अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती तो मैं 30 दिन की वेकेशन देती, अगर मैं होती, इमेजिन कर रहे हैं इफ. और अच्छा, ये जब इफ लगता है ना तो इफ आई वर ही लगता है, मतलब इफ आई वर द पीएम, यही करेक्ट इंग्लिश है. इफ आई वॉज द पीएम भी आजकल यूज कर लिया जाता है, बट वैसे इफ आई वर द पीएम, ठीक है. तो आई वर तब यूज होता है जब यहाँ पे इफ लगा होता है, इफ आई वर समथिंग. नेक्स्ट, हाँ, अगर जैसे ऐसा हो, हरी अप डैश यू विल मिस द ट्रेन, हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन. कभी कभी लगा होता है शुड, यू शुड मिस द ट्रेन, तब एक वर्ड आता है लेस्ट, LEST, हरी अप लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन. लेस्ट की एक स्पेशलिटी है कि लेस्ट के बाद शुड आता है और सब कुछ नेगेटिव लिखा होता है, जैसे कि वर्क हार्ड, ये तुम लोग के लिए, डैश यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो क्या लगेगा, लेस्ट, पढ़ा करो तुम लोग. नेक्स्ट, डैश आई वॉज स्लीपिंग द फोन रैंग. अक्सर होता है ऐसा, इसलिए मेरा फोन साइलेंट पे रखती हूँ. व्हेन आई वॉज स्लीपिंग द फोन रैंग, या व्हाइल आई वॉज स्लीपिंग द फोन रैंग. डैश ही केम
इट स्टार्टेड रेनिंग अगर नो सूनर लगना होता तो दो ब्लैंक होते या डिड या हैड लगा होता हार्डली के साथ भी आगे हैड लगा होता या डिड लगा होता तो इसमें क्या लगेगा एज सून एज ही केम इट स्टार्टेड रेनिंग कभी कभी ऐसा भी होता है एज सून एज ही केम हाँ बस ऐसे ही एज सून एज ही केम इट स्टार्टेड रेनिंग ठीक है एज सून एज ही केम इट स्टार्टेड रेनिंग नेक्स्ट ही डैश हिज फ्रेंड्स इज कमिंग बच्चे आराम से पेपर में लगा आते हैं एंड और कहते हैं आकर मैम गलत क्या किया मैम पर पूरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है इस लगा है बेटा ही एंड हिज फ्रेंड्स आर कमिंग होगा राइट कुछ बच्चे और लगा लेते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के ही और हिज फ्रेंड्स बेटा और अगर लगा होता है तो हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ा है अदरवाइज यू मे रेफर टू माई वीडियो ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ही और हिज फ्रेंड्स और वाले में सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है तो ही और हिज फ्रेंड्स के हिसाब से लगेगा आर कमिंग हो जाएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है जैसे नॉट ओनली द सोल्जर्स बट ऑल्सो द किंग डैश हैप्पी बट ऑल्सो द किंग इज हैप्पी तो फिर इसमें क्या लगेगा इसमें वो लगेंगे वर्ड्स वो कंजंक्शंस लगेंगे जिनमें देखो इस क्यों लगा हुआ है इसमें इस लगा हुआ है ही के हिसाब से तो ऐसे भी कंजंक्शंस होते हैं जिनमें फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब लगाते हैं तो वो कौन से कंजंक्शंस होते हैं एज वेल एज ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग जब एज वेल एज लगा होता है तो पहले सब्जेक्ट को देखते हैं मतलब ही को देखेंगे कि ही के साथ क्या फिट हो रहा है या ही विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग ही अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग एज वेल एज विद अलोंग विद टुगेदर विद में किसके हिसाब से लगता है फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है नॉट ओनली बट ऑल्सो नीदर नॉर ईदर और में सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है जैसे आई डैश माई फ्रेंड्स एम कमिंग अब मैं तुम्हें देखो एम दे दिया एम मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा आई विद माई फ्रेंड्स आई एम कमिंग आई अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स आई एम कमिंग आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स आई एम कमिंग ये इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं यू नीड टू लर्न दिस